द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 99। इफ द डिजिट्स डिफर बाई 3 फाइंड द नंबर। तो अपने पास एक टू डिजिट का नंबर है, टू डिजिट के नंबर को हम लोग मानते हैं 10x+y। ये क्यों मानते हैं मैं पहले वाले वीडियोज में बता चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.7। तो ये अपना ओरिजिनल नंबर है। जब डिजिट्स को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स, यानी x की जगह y, y की जगह x भेजेंगे, तो 10y+x ये वाला अपना नया नंबर बनेगा। इन दोनों नंबर्स को क्या करना था, सम करना था, तो सम करने पर कितना आएगा, 99, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 10x और x कितना हो गया 11x, इसी तरीके से 10y और y कितना हो गया 11y इक्वल टू 99। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा x प्लस वाई रह जाएगा, इधर 99 आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 99 अपॉन 11, 11 आ जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 9 जाए 99। ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तक अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है। आगे है इफ़ द डिजिट्स डिफर बाई 3, तो डिजिट है x और y, इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई, डिजिट्स को माइनस करने पर कितना आएगा, 3 आएगा। ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। आप लोग कहेंगे कि y माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं, तो वो भी लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस वाले तरीके से करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, जो कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस वाई प्लस वाई ये दोनों तो कटेंगे, x और x कितना हो गया 2x, 9 और 3 हो गया 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया 12/2, x इक्वल टू आ गया 6। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ गई है, तो y कितना आएगा आप सभी जानते हैं, यहाँ पे x की जगह 6 लिखेंगे, 6 इधर 9 में से माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो y इक्वल टू 3, 6 और 3 दोनों का सम 9 हो गया। तो यहाँ पे जो अपना नंबर है 10x+y, x की जगह क्या लिखेंगे 6, तो 10 × 6 = 60 और 3 = 63, तो नंबर हो गया 63, ये अपना वो नंबर है। अब बात आती है कि x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा, वाई माइनस एक्स इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं 3, ये भी अपनी सेकंड इक्वेशन हो सकती है। कुछ बच्चे इस तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ क्या पता इस तरीके से करें। तो सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे प्लस करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 जो कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को प्लस करेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, वाई वाई 2y हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 6 आया, यहाँ पे y इक्वल टू 6 आ गया, तो x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 9 होता है, या वैसे सॉल्व करके बता देंगे। तो यहाँ से जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, x की जगह 3 लिखेंगे, 30 और 6 36, तो यहाँ पे नंबर बन गया 36। यदि इस तरीके से करेंगे तो 63 नंबर आएगा, इस तरीके से करेंगे तो 36 होगा वो टू डिजिट का नंबर, और इन दोनों का सम कितना होता है, 99 होता है। 63 लेंगे, रिवर्स करेंगे 36 और सम करेंगे 99, 36 लेंगे, रिवर्स करेंगे 63, सम हो जाएगा 99। इस तरीके से हम आंसर चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।